तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल यार। फाइनली अमन भाई का और एक न्यू वीडियो आ चुका है और लेट्स सी आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। ही वी गो। चलो भाई, भाई थंबनेल पे साइंटिस्ट देखने को मिला था और यहां पर देख सकते हो रॉकी एंड कार्लो रिटर्न। अरे भाई, अगर ये नहीं लिखते ना तो मैं इतना खुश होता कि क्या ही बताऊं, क्योंकि भाई रॉकी इज रॉकी एंड कार्लो इज मेरा जैसा है भाई, वो कॉमेडियन है यार, समझ रहे हो। साइड कैरेक्टर एक कॉमेडियन होना ही चाहिए, लगता है कोई साइंटिस्ट बेस है, यानी कि थंबनेल पे दिख रहा था कि भाई कोई साइंटिस्ट। आखिरकार मेरा प्लान काम करता हुआ दिख रहा है। लुक लाइक जोकर का नहीं बोल सकता क्योंकि भाई ऐसा मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता, ठीक है, लेकिन तुम समझ सकते हो जोकर का फेंका हुआ कचरा। मैं जल्दी ही उन लोगों को भी वापस ला पाऊंगा जो कभी मर चुके थे, मगर इसके लिए मुझे एक जने की पेटी चाहिए होगी जिसके डीएनए की मदद से ये काम हो पाएगा, पर वो हमें अभी तक कहीं भी नहीं मिली। भाई ये रियल में होगा क्या? डॉक्टर मैड, आपके लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। डॉक्टर नाइट, अब क्या बुरी खबर लाए हो? अरे ये क्या, आप पे किसी ने अटैक किया क्या? वो पेटी किसकी है? है क्या? ओ अच्छा अच्छा, ये तो एक पुराने वॉरियर की पेटी है। वॉरियर जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। अच्छा। तुम आगे बोलो, क्या कह रहे थे? दरअसल जो जोकर के बेटे का ब्लड लाने वाला था उसकी पेटी बना दी गई है, और पेटी बनाने वाला और कोई नहीं, उसी की साथी थी जो उसके लिए काम करती थी। ये क्या कह रहे हो, उससे तो मेरी बात हुई थी, उसने कहा था कि वो सही सलामत यहाँ पहुँचा देगा। हाँ वो लेके आ ही रहा था, मगर उसी के साथी ने रास्ते में उसकी पेटी बना दी और वो ब्लड सैंपल भी डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे इस पे यकीन ही नहीं करना चाहिए था। वैसे एक और बुरी खबर है, जो हमारी जी क्लैन का मेंबर मेरा मर गया था फैरो के बेटे का ब्लड लेने, वो भी मारा जा चुका है। अब वो कैसे मारा गया? दरअसल वहाँ पे फैरो पहुँच गया था और उसने उसकी पेटी बना दी। yes! फैरो को तो बाद में देखूंगा, पहले इस जोकर के बेटे का ब्लड लेना है मुझे, और इसके लिए मुझे कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा। वो भाई, अरे हाँ, लो एक आइडिया भी आ गया। अरे ये साइंटिस्ट है, अरे भाई साहब एल्बर्ट आइंस्टाइन। अरे भाई वही, कौन सा आइडिया बॉस? मैं समझा नहीं कुछ। इस बार हम अपने क्या इमोट है भाई, साथ भेजेंगे जो इस काम को काफी अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। आखिर इधर हो क्या रहा है डॉक्टर? कौन आया? अरे तुम्हारा ही तो इंतजार था, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। कौन है ये? आई वॉन्ट टू नो इज दिस नो ओ नहीं, ये इससे पहले कभी विलन के रूप में हमने नहीं देखा ना। नहीं, आई डोंट नो भाई कौन है, बट आई वॉन्ट टू नो ये कौन है। लगता है इस बार बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। क्यों डॉक्टर? अब ये ओ भाई साहब, ओ वो कार्लो था। अरे भाई ये रॉकी, भाई रॉकी की दाढ़ी देखो। अभी मैं तुम दोनों को ही याद कर रहा था भाई, वो कार्लो। अरे व्हाट हैपेंड भाई? तुम दोनों के लिए एक मिशन है। हाँ मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं कार्लो को लेके यहाँ पे आ गया। तो बताओ डॉक्टर, भाई इसका क्या, भाई ये क्या हो गया इसके सर को? ऐसा नहीं था यार पहले। आखिर हमारा मिशन क्या है? दरअसल जो मेरे लिए ये जो साइंटिस्ट है ना, इसने कुछ किया है, इधर खतल बतल किया है। जोकर के बेटे का ब्लड लाने वाला था, उसकी किसी ने पेटी बना दी है और ये काम मेरा रुक गया है, तो इसलिए तुम्हें करना ये है कि जाके सबसे पहले उस लड़की, ये खुद जोकर दिख रहा है भाई, इसके बेटे का ब्लड लेके आओ, लड़की को ढूंढो जिसने उस बंदे को मारा, और दूसरा काम उस जोकर के बेटे का ब्लड लेके आओ कहीं से भी। ठीक है, फिक्र मत करो, ये काम हो जाएगा। कार्लो तुम जाके उस लड़की को ढूंढो जिसने उस बंदे की पेटी बनाई है, और उसको किसी भी तरह यहाँ पे लेके आओ। और रॉकी तुम जाके उस जोकर के बेटे का ब्लड लेके आओ कैसे भी। ठीक है, हमें बस कुछ टाइम दो, ये अलग काम तुम्हारा हो जाएगा। भाई इतना कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा है। अब अपने काम पे लग जाओ तुम दोनों। आपको पक्का यकीन है ना कि आपके दोस्त यहाँ पे रहते हैं? हाँ जगह तो यही है, वो काफी टाइम से अब यहीं पे रह रहा है। चलो अंदर चलते हैं। ये जगह तो काफी बढ़िया है और काफी बड़ी भी, मगर पापा यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, आखिर है कहाँ सब? होगा यहीं कहीं आसपास, अभी आ जाएगा, थोड़ा सबर रखो तुम लोग। इतनी बड़ी जगह में आपके दोस्त अकेले रहते हैं,
हैरानी की बात है। हाँ, उसे अकेला ही रहना पसंद है, अब क्या कर सकते हैं। ये भाई साहब देख रहे आउटफिट का कलर का इफेक्ट। वाह, नॉर्मल रूप। तो ये हैं आपके वो फ्रेंड। मैजेस्टिक, काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। लॉन्ग टाइम नो सी। मैं बढ़िया जोकर, तुम बताओ कैसे हो? काफी सालों बाद मिल रहे हैं हम। सासुरनो। ये क्या, तुम्हारा लड़का तो काफी बड़ा हो गया है पहले से, और तुम्हारी एक बेटी भी हो गई, ये तो काफी अच्छी बात है। तुम अभी भी पहले की तरह जवान ही दिख रहे हो मैजेस्टिक, तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ती ना? हाँ ऐसा ही है, मुझे कोई देख के बता सकता है कि मैं कई सौ सालों का हूँ? हाँ सही कहा तुमने। वैसे मैजेस्टिक, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? दरअसल मैं अपने दोनों बच्चों को इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि इन्हें कुछ तुम सिखा पाओ, क्योंकि इनको कुछ भी आइडिया नहीं बाहर की दुनिया का, और जो इनके पास शक्तियाँ हैं वो भी इनको अच्छे से यूज करना नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इनकी मदद करो इस चीज में। ओह अब समझा मैं, तो इनको अपनी पावर्स यूज करना अच्छे से नहीं आता, और बाहर जो कभी कभी हालात बन जाते हैं उनसे कैसे निकला जाए वो भी इनको नहीं पता। वैसे अंकल मैजेस्टिक, मैं पावर बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाता। ऐना थोड़ा बहुत यूज कर भी लेती है, पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। फिक्र मत करो, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम दोनों को। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं कितनी गोरी देखो, है। तुम दोनों मुझे अंकल मत बोलो, मुझे मैजेस्टिक बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर इन दोनों बच्चों को मैं अब तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम इन्हें अच्छे से सब कुछ सिखाओ। फिक्र मत करो जोकर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना बच्चों, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। आप अपना ख्याल रखना और मम्मा का भी। बाय पापा, आप अपना ख्याल रखना और माँ का भी। ठीक है बच्चों, फिर मैं चलता हूँ अब यहाँ से। भाई ये सबका ख्याल रख सकता है एक ही बार में, पूरे रंगल का, समझ रहे हो? बच्चों अपना ख्याल रखना, हम फिर जल्दी मिलेंगे। ये कौन दिखाने वाला है यहाँ पर? इस कातिल को ठिकाने लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे अब यहाँ रहना चाहिए। वैसे तो ये मैप मेरा घर है, लेकिन अब वक्त आ गया है इसे छोड़ने का। कुछ टाइम के लिए मुझे ये मैप छोड़ना ही होगा, वरना वो जीत लेन वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसको ये तो तुमने सही कहा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले वो लोग तुम्हें। अब ये कौन है भाई यहाँ पर? कुछ अलग होने वाला है, देख लो। अभी तो तुम हमसे बच के भागने की बात कर रही थी। तुम यहाँ छुप कर मेरी बातें सुन रहे थे, आखिर तुम हो कौन? दरअसल मेरा नाम कार्लो है और मैं जी क्लैन से हूँ, और यहाँ पे तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ। ओ अच्छा, तो तुम मुझे पकड़ने के लिए इतनी जल्दी पहुँच भी गए। वैसे मुझे पता चला वो बंदा जो डीएनए लाने वाला था, तुमने उसे तो ठिकाने लगा दिया, मगर उस ब्लड का क्या हुआ? किया क्या मतलब, उसके साथ साथ वो ब्लड भी मैंने खत्म कर दिया। ओ अच्छा, फिर तो अब तुम्हारे लिए काफी प्रॉब्लम। भाई इसका अलग ही एटीट्यूड है, मुझे कुछ कहना है लेकिन सही टाइमिंग नहीं चल रहा है। पढ़ने वाली है लड़की। ओह प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे आदत हो चुकी है तुम जैसे मकोड़ों को फेस करने की। ओ भाई। भाई। मुझे अपना एक्सूट मत दिखाओ, बस ये बताओ कि चुपचाप मेरे साथ चलोगी या फिर जबरदस्ती पकड़ के ले चलूं? भाई क्या है भाई? मुझे पकड़ कर ले जाने की तो वो तो नहीं हो पाएगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ओ भाई कार्लो ने मारा भाई, तू भागता था छुपता था। अरे सच में फास्ट तो है ये। क्या पंच मारा यार, अब कहाँ गया ये, अभी तो सामने ही खड़ा था। पट्टी है तुम्हारे आंखों में, उधर कहाँ देख रही हो? हेलो इधर 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 देखो। मुझे लगा काफी टाइम लगेगा तुम्हें उठने में, सोचा कुछ खा पी लूं। भाई ये कोई मसाज चल रहा है क्या? अब लग रहा है कि तुम ठीक हो। अब भाई यही तो मुझे देखना था, इसी के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था कि कार्लो कभी भी यूज नहीं कर सकता, उसके पास कभी भी पावर थे ही नहीं, लेकिन वो साइंटिस्ट जो था उसने उसको जिंदा किया, साइंटिस्ट ने कार्लो को जिंदा किया, उसके बाद उसको पावर भी दिया,
इफ यू नो डैट देन भाई जो पावर है वो या तो आप भाई पैदा होते ही लेके आते हो या फिर भाई आप हाँ वही बात एक ही है, या फिर आपका बाप पावरफुल होना चाहिए जिसको पावर आता था, या फिर आपका बाप एक्सूड होना चाहिए, या फिर वगैरह वगैरह, समझ रहे हो ना। लेकिन कार्लो के पास कभी भी पावर नहीं था, लेकिन इसके पास पावर आया। उस साइंटिस्ट के पास इतना शक्ति है कि वो किसी को भी पावर दे सकता है। इसका मतलब मैं ये पहले ही गेस कर चुका था, पहले ही बोलने वाला था जब वो साइंटिस्ट ने कहा था ना कि भाई कार्लो एंड रॉकी तुम जाके उन दोनों को पकड़ के लेके आओ या फिर डीएनए वगैरह लेके आओ, तभी मैं पॉइंट आउट करने वाला था। लेकिन उस समय पे भाई समय ठीक नहीं था, यानी कि टाइम ठीक नहीं था, क्योंकि भाई वहां पर हमें पावर दिखाया गया नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पावर दिखाया गया है, तो मैं इसी टाइमिंग के इंतजार में था कि भाई इसको पावर यूज करना कैसे आता है। अब मुझे ये जानना है कि भाई इसको पावर मिला तो मिला कैसे। अब भले ही वो साइंटिस्ट कह दे कि हाँ मैंने पावर दिया है, लेकिन मुझे उतना बहुत सुनना है, समझ रहे हो ना। क्योंकि भाई कार्लो और रॉकी ऐसे बंदे हैं जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना, वो है उनको पावर यूज करना नहीं आता, उनके पास पावर ही नहीं था तो यूज कैसे करते वो। लेकिन अब पावर आ भी गया, यूज भी कर सकते हो और एक एक्सूट को टक्कर दे सकते हैं, तो समझ सकते हो वो साइंटिस्ट कहाँ का है, ठीक है, यानी कि वो किस लेवल का है भाई। अरे भाई इसके पास इतना पावर भाई, मुझे आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि मैं इसे आसानी से हरा सकती हूँ, लेकिन ये तो काफी पावरफुल है। ये तो बस शुरुआत है। अरे भाई वो क्या है, वो निंजा टैक्स कहाँ गया अचानक भाई? कार दिया। ये क्या, ये कहाँ गई अचानक? अभी तो यही सामने थी। अरे भाई फिर भी मार खाई। इतना आसान समझ लिया क्या तुमने मुझे हराना? मुझे और पावर्स लगानी होगी ताकि ये आराम से हार जाए। हाँ तो फिर लगाओ ना, देखते हैं तुम्हारी पावर्स भी। भाई 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 हो गया, अब तुम गए मेरे हाथों से। ठीक है तो लगाओ अब अपनी पूरी पावर। आई नो भाई कार्लो नहीं मरेगा, नहीं ये लड़की मरेगी, कुछ तो हो गया भाई। चलो फाइनली आखिर तुमने हार तो मान ली। वैसे एक बात तो है, पावरफुल हो मगर इतने भी नहीं कि मुझे हरा पाओ। पता नहीं ये एक्सूट की पावर तुम्हें कहां से मिली, मगर इसको देखकर डॉक्टर काफी खुश होंगे। तुम्हें तो देख लूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं। इफ यू नोटिस देन कार्लो ने कहा कि डॉक्टर, ठीक है, लेकिन हम डॉक्टर नहीं कहेंगे उसको, साइंटिस्ट ही कहेंगे, ठीक है।
हाँ हाँ देख लेना जब वहाँ पहुँच जाओगी। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, काफी लेट हो रहे हैं। तो फाइनली वीडियो खत्म हो चुका है और आई रियली वांट टू नो कि भाई कार्लो को कहाँ से शक्तियाँ मिली। अब मुझे ये नहीं पता रॉकी को मिली कि नहीं, लेकिन भाई 99% में श्योर हूँ कि भाई रॉकी के पास भी पावर है। और अमन भाई प्लीज जो डॉक्टर आपने वर्ड यूज किया है उसको चेंज करके साइंटिस्ट करवा लो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर के पास इतना पावर नहीं होता कि वो भाई एक मरे हुए को जिंदा करे और उसको पावर दे। ठीक है, अब इसी कारण से भाई डॉक्टर से ज़्यादा साइंटिस्ट वर्ड अच्छा रहेगा, सूट करेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अपना अपना ओपिनियन होता है और मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। और भाई मैं भाई कसम से कंफ्यूज हो गया ये साइंटिस्ट और ये कार्लो और ये क्या बोलते हैं रॉकी को देख के। पहली बात तो भाई मैं कार्लो को पहचान ही नहीं पाया था कि ये कार्लो ही है, क्योंकि हेयर स्टाइल चेंज हो गए थे। और जहाँ तक मुझे पता है कार्लो को भाई शक्ति यूज करना नहीं आता। ठीक, अगर मैं भूल रहा हूँ तो भाई माफ कर देना, लेकिन मैं 99% श्योर हूँ कि भाई कार्लो को शक्ति यूज करना नहीं आता। रॉकी दिमाग से तेज था उस समय भी, ठीक है, जब जिंदा हुआ करता था उस समय भी रॉकी दिमाग से तेज था और वो एक ही बार आई थिंक पावर यूज किया था, बाकी तो भाई वो पेन से और गन से ही मारता था। एक डायलॉग तो अभी भी मुझे याद है कि भाई रॉकी ने कहा था कि क्या सोच लिया तुझे, तो मैं लेटे लेटे मार सकता हूँ, ऐसा कुछ करके पेन फेंका था। ठीक है, इतना वो कुछ मुझे याद है, बहुत टाइम पहले की बात है। ठीक है, तो ये भी को ख़त्म करते हैं। काफ़ी सही लगा मुझे आज का ये एपिसोड। अगर यहाँ पर दिखाया जाए कि भाई ये कार्लो और भाई ये जो रॉकी है ये कैसे आए तो भाई और मज़ा आ जाता। इसमें नहीं दिखाया गया है, कोई बात नहीं, जब भाई कार्लो एंड रॉकी जब मिलेंगे हमारे जोकर वगैरह से तब थोड़ा बहुत फ्लैशबैक चलाया जाएगा जैसे मुझे लगता है। ये भी को देखते हैं क्या होता है। और भाई अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना, 10K के बहुत ही क्लोज हूँ बाय द वे। ये भी को हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।